गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं गाइस, और यार समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। देखते हैं आज पूरे दिन में क्या होगा, आपको ज़रूर दिखाएंगे। ऐसे ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे। लास्ट दो वीडियो की बात थी। दो अच्छा चल, तू दो सोवन वाले की गाइस लड़ रहे हैं वीडियो बनाने पे। देना इसके उल्टे हाथ मत चलाएगा। देखो गाइस लड़ रहे, ये पिटने वाली है। बस आप ऐसे ही बने रहे, देखना इसका पिटना भी। देख घुमा के गाइस, ये सुबह भी चिढ़ती थी मम्मी से, अब ये मेरे से चिढ़ना चाहती है। दे दे घुमा के दे निक। दो बनवाने तो बना दी। ओ चल चल के बनवा है ये मम्मी यार, लेटे हुई है उल्टी। चल गो बनाऊंगी आज, बनवा ले। चलो बाय गाइस, गुड नाइट। के बनान जाओ तुम वीडियो। अरे बेशर्मो गाइस, मेरे को इंस्टाग्राम पर गाइस फॉलो हर, लाइक करना इसको भी, कमेंट करना, फॉलो करना। तने भी है आग देखूगी, नशे की आग देख। आग तूने नशे कर रखे ननु, तेरी आंखें नहीं खुलती। कौन से सस्ती बीडीपी का है? हमारे घर पे ना एक बूढ़ी सी आंटी आती है, उसकी चोरली गाइस जिसे आज दो वीडियो मेरे से बता रही थी गाइज। हम लोग जा रहे हैं एक बार होली चौक पे, हमने जो पूजा की थी वो सामान रखने जा रहे हैं। हम लोग वहीं पे रखते हैं सब अपने, वहाँ पे पीपल का पेड़ है। तो वो जो कन्या जमाई थी, जो जितना भी सामान था जो हमने जो बोए थे वो सारे वहीं पे रखते हैं, हर कोई हमारे सारे गांव का। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ऐसे ही बने रहिए। देखो मैं आपको आगे का रास्ता दिखा रही हूँ, ये है हमारा होली चौक। थोड़ा सा दूर है बस, आने वाला है। देखिए आप, देखिए ये है हमारा होली चौक, जैसे आपको दिख रहा होगा गाइस आप देख सकते हो। ये हमारा सारा सामान है जो मैंने आपको बताया था, वो मेरी बेटी रखने जा रही है यहाँ पे पीपल के पेड़ पे बस। और ये हमारे यहाँ पे पार्क है, आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ से रास्ता भी है गाइस, यहाँ से लोग बाग चले जाते हैं इस वाले रास्ते से। और अंदर हमारे यहाँ पे ये वर्कआउट वाली मशीन भी रखी हुई है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सब लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, खासकर बच्चे ज़्यादा आते हैं गाइज़। और ये हमारी दीपिका, हेलो गाइज़। हम अपने प्लॉट में से आए हैं, अभी वहाँ पे किराएदारों का झगड़ा हो गया था, अभी हम रास्ते में हैं, आप देख सकते हो। उनका सॉर्ट आउट करवा के आए हैं, किराएदार का भी बहुत ज़्यादा सिर दर्द करता है किराएदार हमारे। हम अपने प्लॉट की तरफ आए थे, आप देख सकते हो गाइज़। देखो बीच का रास्ता, सड़क ही हमारा बाहर की बाहर रास्ता है ये वाला। गाँव में अंदर से जो मेन रोड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, और ये बाहर की तरफ है। रास्ते दो तीन है गाइज हमारे यहाँ पे, अंदर की तरफ जाता है वो रास्ता अलग है, और ये बाहर की तरफ जाता है ये रास्ता अलग है। यहाँ से आप बाहर की बाहर आप मार्केट में पालम बिहार जा सकते हो गाइज, ये कॉलेज के पास पड़ता है, अमेठी कॉलेज के पास गाइज। देखिए अभी आगे जो ये आएगा रेड लाइट आएगी गाइज, यहाँ पे हमारा ये बहुत बड़ा मंदिर है राधा कृष्ण का। यहाँ पे मतलब कि पूरे गांव के लोग यहीं पे आगे पूजा करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, अभी आने वाला है ये रहा, आप देख सकते हो ये भी बहुत बड़ा मंदिर है राधा रानी का। तो देखो यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ गांव में भीड़ लगी पड़ी है, और ये पानी का टेम्पो है, ये बैक हो रहा है और अभी तक बैक ही नहीं कर पा रहा है ड्राइवर, पता नहीं क्या कर रहा है, देख सकते हो आप। ये हमारा बीच में है, देखो इससे का इससे बैक ही नहीं हो रहा है टेम्पो, पानी का टैंकर ही इससे बैक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हमें भी चलना चाहिए, चले या वेट करें? रुक तो रहे हैं वे, भजन में लाग रहे हैं या कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े।
गाइस जैसे आप देख सकते हो हम घर पे आ गए हैं और बेटी ने पूजा कर रखी है और ये वाली आती शुरू हो जाती है हमेशा गुस्सा। और ये देखो ये इसका बिस्किट लेके भाग रही है। क्या हो गया भाई इसको बिस्किट क्यों दे रहे? आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े पड़े हैं हमारे गाइस प्रेस करने के लिए। प्रेस करने का मन ही नहीं होता, बस धो धो के रख देते हैं हम लोग। प्रेस करना मतलब 3-4 घंटे जाना। इसको देखो गाइस, ये देखो कैसी बैठी है। देखो आज तो इसका बिल्कुल भी मन है ही नहीं ब्लॉग बनाने का। अपने अपने ऑडियंस को हाय तो कर, जिसको आप जानते हो दीक्षु। और सुन रहे हो कि बच्चा कितने शोर करते हैं, इतना ज़्यादा शोर करता है ना, मैं आपको क्या बताऊँगा इस इतना दिमाग खराब करता है ना। मैं अभी अभी प्लॉट में से आई हूँ, पहले तो प्लॉट की टेंशन, ऊपर से फिर इन तीनों की लड़ाई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है चाउमीन खानी है, कोई कह रहा है मैगी खानी है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। कहते हैं रोज रोज इनको बाहर का खाना खाना है। कहते हैं आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज बाहर से चाउमीन मंगा दो, आज रोज रोज आलू आलू है, आलू 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 बनाओगे कौन खाओगा आलू दाल। अब आप बताओ गाइस बिना आलू के सब्जी कोई बनती है? आप खुद बताओ, आप कमेंट करके बताना। बिना आलू के कभी भी कोई सब्जी नहीं बनती है, क्योंकि आलू राजा है और आलू हर सब्जी में डलता है गाइस। आप बताना कमेंट करके, आप सब भी आलू ही खाते हो ना, सब्जी में आलू डलना ज़रूरी है कि नहीं है? और जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार दो गाइस। ये लोग कैसे चला रहे हैं आप देख सकते हो, देखो आप देख लो ये कैसे चला रहे हैं। पता है सारे दिन घर में इतना शोर रखते हैं ना ये, आप इनकी सुन लो, मैं बाद में बोलूँगी। देखो ये सारा दिन इतना पूरे दिन घर में लड़ाई और कलेश करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एकदम से या तो तीनों में से कोई नहीं बोलेगा या फिर तीनों चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। अब देखो गाइस ये खाने पे लड़ाई कर रहे हैं, अभी कोई बोल रहा है चाउमीन, कोई बोल रहा है मैगी। हमारे यहाँ का मार्केट छोटा सा, ये सारे सामान मिल जाते हैं मोस्टली, अब जैसे देख सकते हो। और इसको देखो या यहाँ आते भरन भरन की बात करती है, मैं इसको कुछ नहीं दिलाने वाली, ये सिर्फ बोलते रहेगी। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे स्पाइसी मैगी का चैलेंज, हम सब होंगे उसमें, आप देखना ठीक है। अभी मैं लेके जा रही हूँ मैगी और चाउमीन, दोनों चीज़ है, बाकी आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद आगे ठीक है। गाइस ये देखो इतनी ज्यादा ये चाउमीन लेके आई है, भर भर के खा रही है, और इसमें इतनी मिर्ची लगा के कोई नहीं खा सकता। और ये मैगी देखो दोनों मिक्स करके खा रहे हैं, मैगी भी और चाउमीन भी मिक्स करके खा रहे हैं। हाँ ये बात भी है, चलो ठीक है मिलते हैं। खा लेने। हाँ भाई किसी है शक्ल तो पता चल रहा है। गाइस जैसे आप देख रहे हो अभी 12 बज गए हैं और बच्चे सो गए हैं, ये मैडम बैठी हुई हैं, इन्होंने अभी दूध पीना है और मैंने भी पीना है। और जैसे आप देख रहे हो कि मेरी आँखें थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है, एक्चुअली मेरे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। तो हम आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। ऐसे ही बने रहिए और अच्छे से रहिए, सब खुश रहिए और इन्जॉय करिए लाइफ। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइज़।